और कुशीनगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। ऐसे समय में आप सभी साथियों की कर्मण्यता, कर्मशीलता सरदार साहब के आदर्शों को मजबूत करने वाली है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है, देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को यह भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चली, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चली, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इंप्लीमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब यह भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है, उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वजह से
सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। मैक्सिमम कंट्रोल, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या फिर देश में, मैक्सिमम डैमेज करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में काम लिया है। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। साथियों, आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए किस तरह ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया गया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती है। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्ते बंद किया है। इसलिए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र तक सैकड़ों सुविधाएं बिना बिचौलियों के डिलीवर की जा रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म किया तो गरीब और मिडिल क्लास को करप्शन के दबाव से मुक्ति मिली है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं तक ऑनलाइन और फेसलेस प्रक्रियाएं उन लंबी लाइनों से मुक्ति दे रही है जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया रही है। साथियों, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से एफिशिएंट गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर क्या असर हुआ है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। परमिशन और कंप्लायंस के नाम पर, बिजनेस को शुरू करने और बंद करने के नाम पर, बैंकों से लोन लेने या लोन को रफा दफा करने को लेकर जो कुछ भी अतीत में हुआ है, जो देश को नुकसान हुआ है, उसे अब ठीक किया जा रहा है। बीते सालों में सैकड़ों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साफ किया है और आज की चुनौतियों को देखते हुए सख्त नए कानून भी देश को दिए हैं। हजारों कंप्लायंस और भांति भांति के एनओसी, तरह तरह की परमिशंस के नाम पर करप्शन का कैसा खेल चलता था, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। बीते सालों में हजारों कंप्लायंसेस खत्म किए जा चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे हजारों कंप्लायंसेस और खत्म करने का इरादा है। अधिकतर परमिशंस को फेसलेस किया जा चुका है और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाओं को बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वजह से सरकारी खरीद और ई टेंडरिंग में पारदर्शिता आई है, उलझनें कम हुई है। डिजिटल फुटप्रिंट ज्यादा से ज्यादा होने से इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो रहे हैं। हाल में लॉन्च किया गया पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इससे भी डिसीजन मेकिंग से जुड़ी अनेक मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं। साथियों, जब हम ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी साथियों, आप जैसे कर्मयोगियों पर
देश का ट्रस्ट भी उतना ही अहम है। हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, हमारे काम की एक ही कसौटी है और वो है जनहित, जन सरोकार। अगर हमारे फैसले इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो मैं हमेशा देश के हर कर्मयोगी के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा मिलूंगा। सरकार ने सख्त कानूनी रास्ते बनाए हैं, उनको लागू करना आपका कर्म है, लेकिन कानून की ताकत के साथ ही उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ये भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आम तौर पर आपका काम तब शुरू होता है जब कोई घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता हो जाती है। मैं आपसे एक और विचार साझा करना चाहता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम करें? अगर हम सतर्क हैं, अलर्ट है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। आप तकनीक का, अपने अनुभव का सहारा लेकर इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सतर्कता, तकनीक के साथ ही प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, इसे लाकर हम कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज देश में कई सरकारी विभाग, बैंक, पीएसयू, वित्तीय संस्थान प्रिवेंटिव विजिलेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम सभी ने अपने घरों में अनेक बार सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव विजिलेंस आपकी कार्य प्रणाली का हिस्सा बने। इससे एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा देश के समय, संसाधन, शक्ति को बचाया जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि इसे देखते हुए सीबीसी ने अपनी नियमावली में कुछ सुधार किए हैं। इस रूल बुक में ई सतर्कता पर एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया है। अपराध करने वाले तो हर महीने, हर दिन नए नए तरीके खोज लेते हैं, ऐसे में हमें उनसे दो कदम आगे ही रहना है। साथियों, आपको याद रखना है कि आपकी साझेदारी इस मिट्टी से है, मां भारती से है। देश और देशवासियों को धोखा देने वाले के लिए देश और दुनिया में कोई भी सेफ हेवन नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो राष्ट्रहित के, जनहित के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उस पर एक्शन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें राष्ट्रहित में अपना कर्म करते जाना है, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है। और एक बात आप सभी को याद रखनी है, आपका काम किसी को डराने का नहीं है, बल्कि गरीब से, गरीब के मन मस्तिष्क से बेवजह का डर निकालना है, हिचक के माहौल को दूर करना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई दिनों दिन और मजबूत हो, इसके लिए आपके प्रयास बहुत जरूरी हैं। हमें इस लड़ाई को एजेंसियों तक ही सीमित नहीं रखना है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के नकारात्मक पहलुओं से निपटना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी ताला फुलप्रूफ नहीं हो सकता, गलत नियत वाला उसकी चाबी खोज ही लेता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का तोड़ भी अपराधी मानसिकता वाले ढूंढ ही लेते हैं।
मजबूत डिजिटल गवर्नेंस के साथ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में इन चुनौतियों पर गंभीरता से मंथन करेंगे। एक और आग्रह मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भी सरकारी विभागों के उसके नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा को लेकर किया था। मैं सीबीसी और सीबीआई सहित सभी एंटी करप्शन संस्थाओं और संस्थाओं से भी कहूंगा कि आपके यहां जो दशकों से चली आ रही ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जो नए भारत की नई सोच के आड़े आती है, उनको हटाया जाए। नए भारत की नई सोच और नए संकल्पों के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। रुकेंगे यहां, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।